नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैथ एंड मैजिक ट्रिक यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ शिवेंद्र कुमार और आज एक मैजिक किट का रिव्यू करने जा रहे हैं। हालांकि आज तक कभी रिव्यू तो किए नहीं है, लेकिन आज कर रहे हैं। मैजिक किट है जादू मंतर, इसमें लिखा हुआ है 3 वर्ष से लेकर किसी भी उम्र के लोग इस मैजिक ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हालांकि इसको तो पहले से खोल कर हम देख लिए थे, लेकिन जब रिव्यू कर रहा है तो कहीं ना कहीं जो तो कैंची मारना ही पड़ेगा। चलिए इसको हम जरा फाड़ते हैं। एक प्रचलन है कि बॉक्स को लो और काटो, तो काटना पड़ेगा ना। हालांकि पहले हम देखे थे और गिनती भी किए थे, टोटल आइटम जो मिला है इसमें 15 है और साथ ही साथ आपको एक बुक मिल जाएगा जिसमें कि लिखा हुआ है किस तरह से आप इस ट्रिक को दिखाएंगे। और इस बुक की ये खासियत है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में दिया हुआ है समझने के लिए। आइए अब शुरू करते हैं, ट्रिक को पहले दिखाएंगे और फिर समझाते चले जाएंगे। देखिए ये 2 कार्ड हैं, इसको यहाँ पर रखें। आपसे पूछेंगे कि कौन कार्ड बड़ा लग रहा है, तो आप जवाब दीजिएगा यह बड़ा लग रहा है। लेकिन अब पूछेंगे कि कौन बड़ा लग रहा है, तो अब आप कहेंगे यह बड़ा लग रहा है। फिर पूछेंगे कि कौन बड़ा लग रहा है, तो यह बड़ा लग रहा है। लेकिन दोनों कार्ड सेम है, यह भी इल्यूजन क्रिएट करता है, दृष्टि भ्रम। यह डायरी का जादू है, इंटरनेशनल मैजिक मनी पैड। इसको देखिए, ऐसे जब ऐसे ही फैलाते हैं, देखिए इसमें कुछ नहीं है। अब इसमें कुछ जादू करेंगे तो इसमें 200 का नोट जो नया वाला है वो आ गया। हालांकि इस ट्रिक पर आधारित पहले भी एक हम बुक मैजिक ट्रिक दिखाए थे। इधर जब पकड़कर छोड़ते हैं पन्ने को तो सादा दिखता है, और इधर पकड़कर जब छोड़ेंगे इस साइड तो वह नोट आ जाएगा। यह ट्रिक है इसका। चलिए अगले ट्रिक के ओर अब बढ़ते हैं। यह ट्रिक भी हमको बहुत अच्छा लगा। अब देखिए, एक सिक्का है मेरे पास 2 रुपये का, इसको यहाँ पर रखें और इसमें कुछ जादू किए और इसको यहाँ टेबल पर डाल दिए, 1 से 2 बन गया है ना मज़ेदार। तो यह ट्रिक भी हमको बहुत अच्छा लगा। आप इसे दिखा सकते हैं किसी बच्चे के साथ और किसी बड़े के साथ भी, सफाई के साथ दिखा सकते हैं। अब इसे ऐसे पकड़ कर आप अपने जेब में डाल लीजिए, बस हो गया। लेकिन अब जब आपको हम दिखाएंगे कि नहीं, इसके पीछे जो है साटा गया है कागज़, तो वह कागज़ मिल जाएगा। आप अपने ही सिक्का पर चिपका लीजिएगा और यहाँ पर इसे ऐसे डाल दिया जाता है, और एक सिक्का को डालकर निकालिए, ऐसे टेबल पर पटकिए तो 2 आ जाता है। देखिए, या इसे ऐसे भी दिखाते हैं लोग कि इसमें कुछ नहीं है, और जब इसमें जादू करते हैं तो इसमें देखिए सिक्का आ गया, फिर इसको पॉकेट में डाल लेते, हो गया। यहाँ पर 2 क्वाइन है जो कि फाइबर से बना हुआ है। इस क्वाइन को हम हाथ में लिए और इसको इस हाथ में लिए और खोले, 1 क्वाइन बन गया है। आप कहेंगे 1 क्वाइन इसमें है, तो इसमें कुछ नहीं है, 1 ही क्वाइन है। दरअसल होता क्या है कि इसमें 1 क्वाइन नहीं बल्कि 2 है, यहाँ है और 1 यहाँ है। इस टाइप का सिक्का का भी बना हुआ आता है जिसे आप खरीद कर दिखा सकते हैं। 1 से 2 इसी से बनाते हैं। देखिए ऐसे 2 यहाँ पर ऐसे पकड़ कर रखता है जो कि रियल क्वाइन जैसा दिखता है, ऐसे खींचते हैं 2 बनता है। चलिए अगला ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर 2 कार्ड है, अब इस कार्ड के ऊपर हम जादू करेंगे। यहाँ पर इस तिल्ली को रखेंगे, ओहो तिल्ली भाग कर रहा है भाई। हाँ अब इसको उड़ाएंगे, उड़ जा भाई उड़ा, ओहो हाँ देखिए ये उड़ रहा है। अब नीचे से आप कहेंगे तो नीचे कुछ नहीं है, नीचे खाली है भाई, देखिए। तो इसमें भी कुछ नहीं है, यहाँ पर एक पतला पतला धागा सा लगा हुआ है जो दिखाई नहीं देता है, उसी के ऊपर यह उड़ता है ऐसे। इस ट्रिक को ऐसे दिखा दिया जाता है कि दर्शक को कहते हैं कि 1050 आप जोड़िए, इसके बाद 2000 जोड़िए। जरा आपको टेस्ट कर लेते हैं, ईमानदारी से इस गेम को खेल लीजिए आप। 1050 में 2000 जोड़ दीजिए, कितना हो गया। इसके बाद 30 जोड़ दीजिए, इसके बाद 1000 जोड़िए उसमें, इसके बाद 20 जोड़ दीजिए, कितना हुआ। ये जो भी ट्रिक बनाए हैं उनका कहने का मतलब है कि आया होगा 5000,
लेकिन आना चाहिए 4100। तो आपका कितना आया है नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन हम जब भी टेस्ट किए लगभग 11 लड़के के साथ, तो सब ने जोड़कर 4100 ही बताया, इसलिए यह ट्रिक जो है बेकार लगा है हमको। देखिए यह भी इल्यूजन पर आधारित है, हालांकि यह ब्लैक एंड व्हाइट है, कलर रहता तो और ज़्यादा मज़ा आता। आप इस फोटो को जरा गौर से देखिए, लड़की का फोटो है या बूढ़ी औरत का, गौर से देखिए, लड़की का फोटो नज़र आ रहा होगा, लेकिन जब इसमें जादू कुछ करते हैं तो एक इल्यूजन क्रिएट करेगा और आपको बूढ़ी औरत दिखाई देगा। हालांकि इसमें कुछ नहीं है, इधर से जब दिखाते हैं तो जवान लड़की दिखाई देती है और इसी को जब घुमा देते हैं तो बूढ़ी औरत दिखाई देती है। हालांकि कलर में रहता तो जरा अच्छा लगता। अब देखिए यहाँ पर यह दिया हुआ है सुराही, अब इसको जरा उंगली डालेंगे हम, इसको सुलाना है, सो नहीं रहा है, खड़ा हो जाता है, सो नहीं रहा है, इसको जरा आप उसे सुलाइए तो इसको। ओहो, लेकिन जब इसमें कुछ हम जादू करते हैं और तो देखिए सो गया। इसे आप किसी बच्चे के साथ कर सकते हैं, बहुत मज़ा आता है जब बच्चा इसे ऐसे करता है तो ये खड़ा हो जाता है, बच्चे लोग हंसते हैं, तो ये भी एक फनी है, इसे आप कर सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ विशेष ट्रिक नहीं है, यह है, इसे आप अपने हाथ में यहाँ पर छुपा कर रखेंगे यहाँ पर और कहिए इसको कि आप दबाओ, इसे खड़ा हो जाएगा, फिर खड़ा होगा, फिर खड़ा होगा। इसके बाद आप इसे अपने हाथ में ऐसे रख कर और कुछ जो है बात कीजिए, और या यहाँ पर ऐसे कहिए कि हम कुछ जादू लगा रहे हैं, और तब तक यहाँ जो है इसे ऐसे डाल दीजिए और डाल कर इसे ऐसे सुलाइए तो यह सो जाएगा। चलिए अगला ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि यह ट्रिक हम दिखाए थे एक बार, यह देखिए कौन सा कलर है, यह हरा कलर है। अब इस बुक में इसे हम डालेंगे और फिर इसे हम निकालेंगे जब, तो यह हरा ही है, लेकिन फिर से हम इसको एक बार डाल कर निकालेंगे तो यह पीला हो गया। यह लाल कलर है, अब इसे इसमें डालेंगे हम और फिर लाल बन जाएगा हरा। इसमें कुछ नहीं है, ऐसा ही है, पंख लगा हुआ है और इसमें जब यह डाले हुए रहते हैं तो ऐसा दिखाई देता है कि हरा है, और इसको ऐसे ही लपेट देते हैं और इसको हल्का दबा देते हैं हाथ यहाँ पर और फिर इसे निकाल लेते हैं तो यह पीला हो जाता है, और फिर इसे लाल को इसमें डालकर निकालते हैं तो रंग हो जाता है हरा इसका। अब देखिए यह भी बहुत बढ़िया है, यह भी हाथ की सफाई पर आधारित है, बैट। इसको देखिए यहाँ पर क्या है, बॉल है, बैट के साथ साथ बॉल है, और इस साइड जब देखेंगे तो इस साइड भी बॉल है, और इस साइड देखेंगे तो इस साइड भी बॉल है, जब इस साइड देखेंगे तो इस साइड भी बॉल है। अब क्या करेंगे कि एक बॉल खींचकर फेंक देंगे, क्या ही साइड, बॉल गायब हो गया है, और पीछे देखेंगे और पीछे का भी आप गेंद लेकर के फेंक देते हैं तो क्या है पीछे, कुछ नहीं है, इस साइड कुछ नहीं है, इस साइड कुछ नहीं है, इस साइड कुछ नहीं है। यह जो है हाथ की सफाई पर आधारित है, जब इसको ऐसे पकड़ते हैं और यहाँ पर बॉल है, जब दोनों साइड हमें बॉल दिखाना है दर्शक को तो ऐसे लाएंगे यहाँ से, पहले ऐसे दिखा देंगे और फिर जब इसे ऐसे मूव करेंगे तो रास्ते में ही इसे ऐसे घुमा देना है, ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा मेहनत वाली बात नहीं है भाई, इसको ऐसे दिखाइए और एक बार मूव कीजिए रास्ते में और यहाँ लाइए, इस तरह से आप जो है घर पर प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़ा बहुत और इसे दिखा सकते हैं। यह दो घोड़ा है, दो घोड़ा को इस तरह एडजस्ट करना है कि ऐसे बैठा हुआ नजर आए, ये जो लड़का है या लड़की है शायद इसमें, हाँ ये लड़की। यह ट्रिक बहुत ही बढ़िया है, आप इसे कहीं भी दिखा सकते हैं, बच्चे बूढ़े जवान या हो वो किसान, किसी को भी आप दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसे डालेंगे फिर भी यह उड़ता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, दौड़ता हुआ, घोड़ा उड़ता नहीं है भाई, दौड़ता है। अब देखिए इसमें कुछ ऐसा पावर लगाएंगे जो कि यह दौड़ता हुआ भी नजर आएगा, देखिए दोनों घोड़ा
दौड़ता हुआ नजर आ रहा है, ये भी दौड़ रहा है और ये भी दौड़ रहा है। और जब इसे हम हटाते हैं, घोड़े का सर देख लीजिए नीचे की तरफ हो जा रहा है, और जब इसे लगाते हैं तो वह ऐसा लगेगा कि वह दोनों दौड़ रहा है। होता क्या है कि यह इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, और जब इसे लगाते हैं तो यह दौड़ता हुआ नजर आता है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। वह यह कार्ड है, इस कार्ड से आप सामने वाले दर्शक को यह कहेंगे कि आप कोई अंक इसमें से सोच लीजिए, या आप अपने घर के फैमिली के किसी भी सदस्य का उम्र इसमें से सोचिए। मान लीजिए 13 वर्ष चुना तो 13 वह रखेगा, इसमें 13 नहीं है तो आपके पास चला आएगा यह, इसमें भी कहीं 13 नहीं है तो आप अपने पास रख लीजिए, इसमें भी 13 है, इसमें 13 है तो इसको दे दीजिए दर्शक को। आपको कहेगा नहीं कि हम 13 चुने हुए हैं, आप ऑटोमेटिक आप कहते जाइए अगर है इस कार्ड में तो आप लीजिए, नहीं तो यहाँ पर रख दीजिए। अब इस कार्ड में दिखाएंगे तो यहाँ भी 13 है तो यह दे देंगे, इसमें कहीं 13 नहीं तो इसको रख लेंगे। अब आप बता सकते हैं कि वह कितना वर्ष सोचा है, ऐसे तो हम पहले ही बता दिए कि 13 वर्ष है। अब आप कैसे पता करेंगे जब नहीं मालूम रहता, तब क्या कीजिए कि आप जो हर कार्ड में पहला अंक है उसको जोड़ते जाइए, 8 और 4 12 और 1 13। अब चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। देखिए यह जो ट्रिक है यह मेला में बहुत चला है, इसलिए हमको उतना अच्छा यह नहीं लगा। इसमें पहले अंडा दिखाते हैं, अंडा दिख रहा है इसमें, और जब इसको कुछ जादू करते हैं तो देखिए इसमें मुर्गा चला आया। अंतर यही है कि इसमें दोनों चीज़ है, इधर से अंडा है इधर से मुर्गा है, बस इसको बंद करके इधर से जब खोलते हैं तो अंडा आता है, और जब इसे ऐसे करके यहाँ खोलते हैं तो मुर्गा आता है। यह जो ट्रिक है मेला में भी बहुत बिका है, इसलिए मेरे ख्याल से यह ट्रिक बहुत बेकार हो गया है। टी पजल भी है इसमें, एक बार दिखा चुके हैं हम इसको, तो चलिए आगे जरा बढ़ते हैं। दोस्तों इस कार्ड को गौर से देखिए, मेरे इस हाथ में एफ है और इस हाथ में ई है, इसको आप अपने पास रखिए, इसको हम अपने पास रखते हैं, आपके पास क्या है ई है और मेरे पास एफ है, अरे ये तो ई है और यह क्या है, यह एफ है। तो यह भी एक जो है हाथ की सफाई है बस, और यह उतना अच्छा नहीं लगा हमको, क्योंकि यहाँ देखिए इसको इसमें थोड़ा सा ऐसे पकड़ के रखते हैं तो ई दिखाई देता है, और इसमें पूरा के पूरा ऐसे पकड़ लेते हैं तो एफ दिखाई देता है। ट्रैक्टर चल रहा है फक 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 फक, इतना गर्मी है भाई, पंखा वंखा बंद करके बनाना होता है। दोस्तों अगर आपको इसमें से कोई भी मैजिक पसंद आया है तो इस किट की खरीदारी करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दे दिए हैं, जो रिव्यू के लिए भेजे हैं उनका आप कॉन्टेक्ट करके इस किट की खरीदारी कर सकते हैं। तो हम तो हालांकि उनको कहे थे कि भाई साहब आप किट भेजे हैं, किट तो आपका सिर्फ एक बहाना है, आपको कस्टमर को अपने यहाँ बुलाना है। कहने का मतलब यह था मेरा कि आप किट के साथ साथ सामान भी उनको सेल कीजिएगा, इसीलिए आप किट जो है हमको दे रहे हैं, इसके एवज में हम उनसे कोई पैसा नहीं लिए हैं। दोस्तों हालांकि इस किट का रिव्यू नहीं कर रहे थे हम, बहुत ही अनुरोध करने के बाद हम किट का रिव्यू कर दिए हैं। अगर आपको पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लीजिएगा, अन्यथा मत लीजिए, ठीक है। और कोई भी मैजिक सामान अगर आप खरीदते हैं तो आपको अगर उसका ज़रूरत महसूस हो, कहीं दिखाना हो, तभी खरीदिए, ऐसे ही बेकार की पैसा मत बर्बाद कीजिएगा किसी भी मैजिक आइटम में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नए मैजिक ट्रिक के साथ बहुत ही जल्द नए मैजिक वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा लेते हैं, नमस्कार।